ओए होए, गाड़ियाँ तो देखो, कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी गाड़ियाँ। व्हाट्स एवरीवन, दिस इज योर बॉय सक्षम भाई। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आप कॉलेज के बारे में, दिखाएंगे और UMBC कैसा है वो सब दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी वो सब अरे तू जा रही, बहुत अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, अब हम आ गए IT एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग में और यहाँ पर होती है मोस्टली अंडरग्रेड्स और ग्रेड स्टूडेंट्स की क्लासेस। और यहाँ पर मोस्टली हर प्रोफेसर की लैब है, ऑलमोस्ट हर प्रोफेसर की। तो मैं तो लेट हो गया हूँ क्लास के लिए, तो चलते हैं क्लास में। तो चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ। सो गाइस, दिस इज द केमिस्ट्री बिल्डिंग ऑफ UMBC। तो यहाँ पर मोस्टली केमिस्ट्री की क्लासेस होती हैं अंडरग्रेड्स की। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जहाँ मेरी क्लासेस होती हैं, कहाँ होती है मेरी क्लासेस, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो चलते तो गाइस, अब हम चलते हैं सोंडियम हॉल की तरफ। यहाँ पर मोस्टली जैसे IT एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग में क्लासेस होती थी, वैसे यहाँ पर भी अंडरग्रेड्स और ग्रेड स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं क्लासरूम्स कैसे हैं। तो ऐसे हैं यहाँ के क्लासरूम्स। यहाँ पर मॉनिटर्स लगे हुए हैं क्लास के बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी। तो बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं। तो चलिए नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। तो गाइस, अब इतना दूर आ ही गए हैं तो डेस्टिनेशन बोर्ड की तरफ भी देख ही लेते हैं। तो अगर आप सीधा जाओगे तो आप पहुंचोगे लाइब्रेरी, जिसका टूर मैंने आगे वीडियो में करा रखा है। और अगर आप जाओगे राइट की तरफ तो आपको मिलेगी कॉमन्स बिल्डिंग। तो कॉमन्स बिल्डिंग के दो जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो है गेम रूम और रेस्टोरेंट्स। तो आपको कोई भी वैरायटी का खाना चाहिए तो आप रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो। और अगर आपको ऑन कैंपस जॉब के बारे में भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि इज़ देयर एनी वैकेंसी दैट इज़ अवेलेबल। सो अगर कोई वैकेंसी होगी तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। और अपने लेफ्ट साइड में है फाइन आर्ट्स बिल्डिंग। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। मैंने जैसे इस सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट्स लिए थे, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो उसमें से जो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग की क्लास है वो वहाँ पे होती है, जहाँ पे इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे होती है। और जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास है वो होती है सोंडियम हॉल में। अब जहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे से इंडिया में होता था कि कैंटीन्स होती थी, अब यहाँ पे कैंटीन नहीं है, पर कैंटीन के बजाय यहाँ पर चिकफिले और स्टारबक्स है। सो वेन एवर यू आर हंग्री एंड वॉन्ट टू हैव सम फूड, सो कम हेयर एंड हैव सम फूड। एज मोस्ट स्टूडेंट्स केम हेयर, सो इट्स इन द यूनिवर्सिटी सेंटर। बहुत ही सही खाना मिलता है, ट्राई करना ज़रूर। और ये देखो, सो गाइस, दिस इज आर स्टारबक्स एंड चिकफिले। तो दिस इज़ आउटसाइड ऑफ स्टारबक्स एंड चिकफिले। तो मैं मोबाइल अंदर नहीं लेके गया क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैंने बाहर से ही रिकॉर्ड करने की ट्राई करा। तो इसमें there are a lot of chairs and sitting arrangement is also there outside of the Starbucks and Chick-fil-A, so you can come here and have food. Sab chill hai, koi kuch nahi bolta, aaram se khao, maza se khao. Oh yaar, dhoop aa rahi hai, ye jagah perfect hai. To ab hum aa gaye library mein aur yahan par you can book multiple rooms. There are multiple rooms like individual study room, group study room and also group discussion room. There are multiple rooms that you can book for. तो सिर्फ UMBC library की website पर जाना है और वहाँ पर आपको time slots मिल जाएगा
कब से कब तक बुक करना है किसी भी डेट को, तो आज. सो इफ यू कैन बुक अ रूम जस्ट लाइक अ 10 or 20 days अहेड एंड यू कैन गो देयर एंड स्टडी एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. यही था, अब आपको दिखाते हैं अंदर से लाइब्रेरी. तो गाइस अब हम आ गए लाइब्रेरी. तो यार देर किस बात की है, चलिए लाइब्रेरी देखते हैं. तो ये अपनी लाइब्रेरी का ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे आपको मैकिंटोश और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों मिल जाएंगे. तो आप जिस पे भी काम करना चाहो आप कर सकते हो. बस आपको कंप्यूटर में अपना UMBC ID डालना है और पासवर्ड डालना है, देन यू विल बी गुड टू गो. चलते हैं अब नेक्स्ट फ्लोर पर. तो गाइस दिस इज लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, तो आप लिटरली किसी पे भी बैठ के अपना काम कर सकते हो. और यहाँ पे इंडिविजुअल स्टडी रूम और ग्रुप स्टडी रूम्स भी है जिसपे जाकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो. सो नाउ वी विल गो टू द पूल सेक्शन. ये UMBC का कॉमन एरिया और यहाँ पर फूड भी है और देयर इज अ लॉट ऑफ गेम्स ऑल्सो. सो यहाँ पे पूल होगा और वहाँ पे देख के पता करेंगे. तो यहाँ से शुरू होता है कॉमन्स बिल्डिंग का फूड सेक्शन. तो रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट है, कुछ भी खा सकते हो, मजा आ जाएगा. तो अब चलते हैं गाइस कॉमन्स बिल्डिंग के गेम जोन की तरफ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप बहुत सारी गेम्स है, कुछ भी खेल सकते हो विदाउट कोई टाइम लिमिट के. बस आपको एक, अगर कुछ भी इशू करना है तो आपको एक आईडी कार्ड दिखाना होगा. आईडी कार्ड के बाद वो आपको वो चीज़ इशू कर देंगे और आप कुछ भी खेल सकते हो. पहली बार ट्राइपॉड लेके ऐसे निकला हूँ, तो पहली बार शाइनस तो होती है, पर दूसरी बार और अच्छा वीडियो बनेगा. पहली बार एक्सक्यूज कर देना, पर दूसरी बार और अच्छी वीडियो लाऊंगा. और अब आपको दिखाते हैं यहाँ का जिम कहाँ पे है. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उन्हें पे नहीं करना पड़ता अबाउट देयर जिम, अगर उन्हें जिम करना है या कुछ भी कोई एक्टिविटी करनी है लाइक बैडमिंटन बास्केटबॉल, तो यहाँ पर सब इंक्लूडेड है. तो तुम जो ट्यूशन फीस देते हो सब, मतलब सब उसमें इंक्लूडेड होगा. और अब हम आपको लेके चलते हैं जिम की. तो गाइस ये है बिल्डिंग रिट्रीवर्स एक्टिविटी सेंटर की. यहाँ पर मोस्टली हर टाइप की एक्टिविटी होती है. यहाँ पर जिम है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, डांस होता है, योगा के लिए क्लासेस होती है, बैडमिंटन कोर्ट भी होता है. तो जो भी तुम सोच सकते हो, जो भी एक्टिविटी में तुम्हें पार्ट लेना है वो तुम्हें इस जगह मिल जाएगी. वो देख रहे हो उधर. तो गाइस जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे सारे मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस. तो अभी लेटेस्ट ही था यहाँ पे, मतलब यूनिवर्सिटीज आती हैं, दो यूनिवर्सिटीज की टीम आती है, देन वो मैच करते हैं यहाँ पे. मोस्टली मैचेस यहाँ पे UMBC के होते हैं. UM तो रिसेंटली वर्जीनिया टेक यहाँ पे आई थी, तो वर्जीनिया टेक वर्सेज UMBC हुआ था और UMBC जीत गया था. और यहाँ पे तो यहाँ पे जितने भी फुटबॉल मैचेस है वो यहीं पे होते हैं और जितनी भी टीमें आती हैं वो यहीं पे मैच करती हैं. देख लो भाई कितना बड़ा है. तो ये जो बिल्डिंग है चेसापेक एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एरिना, ऑन कैंपस जॉब के लिए जितनी भी हायरिंग होती है, सारे ऑन कैंपस जितने भी रेस्टोरेंट है सबकी हायरिंग यहीं पे होती है. कॉमन हायरिंग होती है, सेमेस्टर से जस्ट पहले होती है हायरिंग. ध्यान रखना कि हैंडशेक पे आता है मोस्टली,
तो हैंडशेक पे इनका फॉर्म आता है, मुझे मेल पर भी आया था, हैंडशेक पर भी आया था। हैंडशेक यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ से तुम जॉब अप्लाई कर सकते हो, ऑन कैंपस जॉब। तो ये हमेशा डालते रहते हैं कोई भी न्यू जॉब आती है हैंडशेक पे। तो हर टाइप की जॉब होती है, रेस्टोरेंट सर्वर, जिम, पार्किंग, सो एवरी काइंड ऑफ जॉब जो भी कैंपस पे अवेलेबल है। एज यू कैन ओनली वर्क ऑन कैंपस एज अ स्टूडेंट, सो दैट्स वाई यहाँ पर आना तुम्हारे लिए बहुत सही है। और रेपिटेटिवली पता लगाते रहना कि ऑन कैंपस जॉब है या नहीं, कोई वैकेंसी है या नहीं, ये तुम कर सकते by going to the restaurants that are in on campus. There is a UMBC bookstore जहाँ पे library है, तो library है वहाँ पे books मिलती हैं, तो वहाँ पे भी jobs निकलती रहती है। तो हमेशा वहाँ पे जाते रहो और उनसे पूछते रहो is there any vacancy, तो अगर vacancy होगी वो तुम्हें hire कर लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस। Oh, no.